बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि इतनी गर्मी में हमें मन करता है कुछ ठंडा ठंडा खाने का, जो कि बहुत जल्द बन जाए, पर क्या करें, लॉकडाउन की वजह से ना घर में सामान है ज़्यादा और ना हम बाहर से कुछ ठंडा चीज़ ला सकते हैं। तो क्यों ना घर पे एक सिंपल सी रेसिपी बनाएं। वैसे आप इसे मटका कुल्फी कह सकते हैं क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल वैसे ही है, पर इसका नाम है बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी जो कि है मिष्टी दोई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी और मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सी, सिंपल सी और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाने वाली बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है मिष्टी दोई। इसे बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में ये उसकी डबल टेस्टी है और इसका स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कुल्फी का स्वाद होता है। आप इसे बनाएंगे ना तो मिठाई तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आप इसे कुल्फी कह सकते हैं। तो चलिए इसे इजी प्रोसेस में बिना झंझट के बनाते हैं और इसका देख लेते हैं बनाने का तरीका। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म करने रखी है जिसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच के लगभग शक्कर, और हमें शक्कर को मेल्ट करना है, मतलब शुगर कैरमलाइज करना है इसके लिए हमें। तो यहाँ पे शक्कर को अच्छी तरह से मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बिना पानी डाले गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखिए, बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे तो आपकी शक्कर नहीं गलेगी, पिघलेगी नहीं, मेल्ट नहीं होगी, और तेज़ कर देंगे तो शक्कर जलने लगेगी। तो मीडियम हाई फ्लेम पे करिए, शक्कर को धीरे धीरे से मेल्ट होने दीजिए। और इसके बाद हमें शक्कर को तब तक पकाना है, इसकी चाशनी जैसी हमें तब तक बनानी है जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो जितना ज़्यादा अच्छा इसका कलर होगा उतना ही हमारा जो मिष्टी दोई का कलर है उतना ही मस्त आएगा। तो देखिए इस प्रोसेस तक मैंने इसे पकाया है और गैस का फ्लेम स्लो करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। तो ये जो दूध है ये ठंडा है जिसकी वजह से ये जो शुगर हमने कैरमलाइज किया था ये जम गया है। टेंशन वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं जिससे ये जमेगा नहीं, और जम गया है तो भी क्या बात है। अब हम इसे पकाते पकाते दूध को, जब तक ये बॉयल होगा, जब तक दूध हमारा पकेगा ना, ये सारी जो शक्कर है, शुगर कैरमलाइज, ये इसमें मेल्ट हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगी और बन जाएगी। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से खौल रहा है, बॉयल हो रहा है, और यहाँ पे जितनी शक्कर हमने डाली थी वो मेल्ट हो चुकी है। और अगर बीच में आपको कोई क्रिस्टल लगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, शक्कर है वो भी पिघल जाएगी। और यहाँ पे अब हमें दूध को बहुत ही अच्छी तरह से पका के गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे दूध को अच्छे से गाढ़ा होने देते हैं, शक्कर हमने वैसे पहले भी डाली है पर अब हम इसमें 2 चम्मच शक्कर और ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे टोटल 7 चम्मच शक्कर ली थी जिसमें से मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दी, और यहाँ पर मैं 1.5 से 2 चम्मच शक्कर फिर डाल रही हूँ। तो मीठा आप अपने स्वाद से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब शक्कर को हमें मेल्ट हो जाने तक अच्छे से पकने देना है, 1-2 उबाल दूध में आ जाने देनी है। तो बस यही चीज़ें हमें इसे बनाने के लिए चाहिए। और ये देखिए ये बन चुका है, दूध उबल चुकी है अच्छी तरह से। और अब हम दूध को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा हो जाने देंगे। तो ये जो मिठाई है, जिसे आप मिठाई कहिए या कुल्फी कहिए, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए दूध ठंडा हो चुका है, इसे बना लेते हैं। अब हमें जो एक और इंग्रेडिएंट चाहिए वो है दही। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप से थोड़ी कम दही या तो 3 से 4 चम्मच दही ले ली है। दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही में गुठलियाँ लम्स ना रहे, वरना जब हम इसमें अपना दूध मिक्स करेंगे ना तो दूध में दही के दाने आएंगे जो फटे फटे दिखेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, बस रेडी है। अब जो दूध हमारा गुनगुना है, मतलब ये दूध जो है ये बहुत ठंडा भी नहीं है और एकदम गर्म भी नहीं है, ये गुनगुना दूध है। जैसे हम जितना गर्म दूध हम पीते हैं या जितना गर्म थोड़ा हल्का गर्म पानी पीते हैं उतना गर्म हम इसे ऐड करेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म गर्म ऐड कर दिया ना तो आपका जो दूध है ये फट जाएगा। तो ध्यान रखिए कि दूध रूम टेम्परेचर पे भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, हल्का गुनगुना, और इसे दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए 2 मिट्टी वाली ऐसे मेरे पास कप थे जिसे मैंने ले लिया है और इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें ये 1/2 कप के मेजरमेंट से मैंने इसमें 1 कप और थोड़ा थोड़ा और इसमें डाल दिया है, और बाकी का जो बचा है यहाँ पे मेरे पास ये मिट्टी की हांडी जैसी है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बस अब हमें क्या करना है, इसे जमने के प्रोसेस में रख देना। दही डाला है हमने, जैसे हम घर में दही जमाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसे बनाना है। अब आप क्या करिए, इसे एक बर्तन से ढक दीजिए, किसी छोटे छोटे प्लेट से ढक दीजिए या एल्युमिनियम फॉइल से। तो मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल है, मैं इससे इसे रैप कर देती हूँ, मतलब इसे ढक देती हूँ। और तीनों बर्तन जो हमारे हैं जिसमें हमने ये मिष्टी दोई जमने के लिए रखी है, इसे हम ढक देंगे। आपके पास अगर एल्युमिनियम फॉइल ना हो आप इसे प्लेट से ढक दें। एक पूरी रात मैंने इसे छोड़ दिया था बना करके, और इसके बाद मैंने इसे 2 घंटे फ्रिज में रख दिया था, मतलब 5 से 6 घंटे इसे मैंने नॉर्मल जमने दिया दही को, और उसके बाद 2 घंटे मैंने इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ये देखिए जो है ना अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, जम चुकी है, एकदम मलाईदार बनी है,
बहुत ही टेस्टी लग रही है। बिल्कुल कलर तो वही है जो कुल्फ़ी का होता है। और ये देखिए, इसे मैंने जो फ्रिज में रखा था, इसे तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, कितनी अमेजिंग, कितनी टेस्टी बन रही है, कितनी यम्मी ये लग रही है ना। जितनी यम्मी लग रही है ना, उतनी ये ज़्यादा टेस्टी यम्मी ये खाने में है। और ये देखिए, इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, थोड़ा बाहर रखा था। और ये देखिए, दानेदार एकदम दही जमी है। और इसके साथ में एकदम इसका जो टेक्सचर है, एकदम एक क्रीमी आइसक्रीम की तरह है, क्रीमी कुल्फ़ी की तरह है। तो आई होप गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपने घर पे ट्राई करें, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।